पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 एंड 194 के अकॉर्डिंग एमपीज एंड एमएलएज के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कि अपनी स्पीच के दौरान इमोशंस में अगर वो थोड़ा इधर उधर कुछ बोल भी दे तो उनपे कोर्ट केस नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, पार्लियामेंट की रूल बुक के अकॉर्डिंग स्पीकर को अगर लगता है कि कोई वर्ड डेफिमेटरी, अनपार्लियामेंट्री या अनडिग्निफाइड है तो उसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यानी पार्लियामेंट की कार्यवाही से ही डिलीट किया जा सकता है। इसी के चलते पार्लियामेंट की गरिमा बनी रहे, मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही हिंदी के कुछ टोटल 180 वर्ड्स और इंग्लिश के 150 वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया गया। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस इतने क्रिएटिव हैं कि कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। हाल ही में एक माननीय एमपी ने सदन से बाहर निकलते वक्त ही इंडिया की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट राष्ट्रपति को राष्ट्रपतनी कहकर घोषित कर दिया। क्या ऐसा करना रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव्स को शोभा देता है? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं।